खबरों की जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी, और ये भी कह सकते हैं कि ये खबरें कल आपके सामने अखबारों की सुर्खियां बनेगी। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही से, क्योंकि आज हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का 9वां दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और सीएम बजट अनुमानों पर अपना जवाब भी देंगे। तो ये वो खबर है जिस पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। तो अगली खबर जिस पर नजर बनी रहेगी, खबरें अभी तक की और इस पर आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रहेगी, तो एजीएल प्लांट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोहरा आज कोर्ट में पेश होंगे। पंचकुला की विशेष अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। आरोपियों पर लगे जो चार्ज है उसी पर बहस होगी, और इससे जो पिछली सुनवाई थी उसमें भी यही देखने को मिला था कि आरोपियों पर जो चार्ज लगे हैं उन्हीं पर बहस हुई थी कि क्या ये चार्ज सही है, क्या इन चार्जेस पर ही आगे बहस होनी चाहिए, इसी को लेकर बहस हुई थी। और आज की जो बहस देखी जाएगी कोर्ट की, उसमें भी यही देखा जाएगा कि आरोपियों पर लगाए गए तमाम चार्ज सही है या नहीं। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ, और आपको बता दें रोहतक में कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। डीसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, और अगर आपको कोरोना के लक्षण नजर आते हैं, भले आप रोहतक में ना हो और कहीं पर भी हो, अगर आपको लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, कॉल करें जो प्रशासन की ओर से नंबर जारी किए गए हैं, क्योंकि आपकी सेहत का ख्याल रखना खबरें अभी तक की भी जिम्मेदारी है। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर तौर पर कोरोना वायरस से लड़ने में भी आपको ताकत मिलेगी, और साथ ही जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें भी। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, खबर हिमाचल से है जिस पर आज नजर रहेगी। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र है आज, और अहम बात यह है कि सीएम जयराम की अगर बात करें भी मौजूद रहेंगे और सदन में चर्चा का एक दौर चलेगा। सीएम राज्यपाल पर सदन में चर्चा का जवाब देंगे। 5 दिन तक चली चर्चा का आज सीएम विस्तृत जवाब देने वाले हैं। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो चर्चा होनी है उसमें सीएम की तरफ से जवाब दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम त्रिवेंद्र रावत आज बजट पेश करेंगे, और करीब 53 करोड़ का ये बजट हो सकता है। 3 से 7 मार्च तक विधानसभा का ये बजट सत्र चलेगा। हालांकि विपक्ष लगातार ये जुबानी हमला कर रहा है कि बजट सत्र के लिए बहुत कम समय दिया गया है।